मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग शुभ संध्या आज सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटे को जी भोले आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज के न्यू व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग टाइम से, शाम के बज चुके हैं 4 और 4 बजे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मेरे पति देव कुछ तो कर रहे हैं। देखो पतिदेव जी, स्वामी जी, इन्हें देखा, इन्हें देखा, हाय बोला यार, बलर क्यों हो रही, हाय गाइस। तो ये आपने मेरे पतिदेव से भी मुलाकात कर ली और सासू मां लेट रखे हैं अंदर। तो जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम छुट्टी जाने वाले हैं, लेकिन छुट्टी जाने से पहले हमारा प्लान हुआ कि हम वृंदावन जाएंगे। सासू मां तो आ गए, तो नहीं बाल नहीं धोए, बाल सवेरे धो। हाँ अभी उन्नी उन्ना ना मेट डिग्री मुंडू ये बलबो बा मजाक ना करे अम्मी कर मार खेला वरना थे। तो फिर हाँ हमारा प्लान हुआ कि छुट्टी जाने से पहले क्यों ना वृंदावन जाए, क्योंकि यहाँ से वृंदावन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलोमीटर, ओ सॉरी 3 या 4 घंटे का रास्ता है, सॉरी। तो फिर हमारा प्लान हुआ कि चलते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से सासू माँ बोल रहे थे, मैंने वृंदावन नहीं देख रखा, मैंने देखना था, जाना था, कान्हा जी राधा जी का दर्शन करने थे। तो फाइनली मैंने और पति जी ने डिस्कस किया कि चलते हैं सासू माँ को, इस टाइम आ भी रखे हैं तो भगवान की दया से उनकी तबीयत वबीयत भी ठीक है और अच्छा समय भी है, तो चलते हैं अभी लेके उन्हें और दिखा के आ जाते हैं, है ना। तो फिर बस हमने कल गाड़ी बुक कर रखी है तो हम उसमें जाएंगे और उसमें थे 3 सीट पीछे, 2 सीट आगे, तो पतिदेव तो आगे बैठ जाएंगे, पीछे मैं और सासू माँ। तो फिर मैंने इनसे कहा क्यों ना दीदी को भी बुला लेते हैं, दीदी भी जैसे कि आपको पता है बड़ी वाली दीदी मेरी यहीं रहती है, तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन करके बोल दी कि तू भी आना तो चलते हैं। तो दीदी ने भी हाँ बोल दिया, तो फिर दीदी आज आ जाएंगी शाम तक, कल सुबह निकलेंगे हम। तो फिर जब दीदी आएंगी तो तब मिलेंगे हम आपसे, अभी तो फिलहाल सब सो के उठ चुके हैं बस, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। थोड़ी देर में हम चाय वाय बनाएंगे, चाय साय पियेंगे, तब देखते हैं, है ना। कैसा लग रहा है आपको वृंदावन जाने का प्लान? बढ़िया वाला आ खुलना मुझे नींद आई चुकी मैं तो नहीं सो, मैं सो तो रात ही निश्चिंत हो जाती हूं, मैं सोती नहीं शाम के टाइम कभी भी नहीं सोती, बहुत कम जाता दिन में एक जगह ना मंथ में यार भी कर मैं यार इन लिटेना रहने में उन्होंने कब सो और सो तो तब सुबह मतलब रात नहीं आनी 12 1 बजे तक नहीं आना मतलब। हां मेरा 12 बजे तक मैं लैपटॉप तो लैपटॉप वही था तब दिन में सेगा तो मैं तो इन्हीं हूं तभी डायरी को नहीं सो ना नींद तो नहीं आना आ खाते लपटेना तो ये अब दिन में आई जान एक जगह। हाँ वही तो, और ये मेरी और सासू माँ की कुछ गढ़वाले में कन्वर्सेशन हो रही थी बस। बाकी हमारा कल का प्लान, कल आप व्लॉग देखने जरूर आना, कल हम जाएंगे आपको थोड़ी देर में मिलेंगे हम, ठीक है। क्या जी क्या देख पूरा लगा रखा भाई, ये ऐसे है ना पता क्या बोलते है, मैंने मांग भर रखी ना ठीक से लगा देता है, ठीक से कैसे लगाऊ मैं, दिख तो रहा है पूरा। अब मैंने बीच के मांगने निकाल के उनकी इच्छा होती है कि यहाँ से और यहाँ तक भर दोगे तब वो खुश हो जाते हैं, वो स्पेशल डेज पे ही होता है। लड़का हैंडसम हो रहा 15 अगस्त को, इनकी पार्टी देखने कैसे कैसे बातें बोलते हैं, ऐसे तो सासू माँ भी नहीं बोलते जैसे ये बोलते हैं, यहाँ से लगाओ वहाँ से लगाओ, लिपस्टिक लगा के रखो ये वो। स्पीकर में भी नहीं कैफ मन जा कैफ मन जा अच्छा माँ की कॉल, दोनों समधुणियों की लगातार बात होगी सुबह मॉर्निंग में उठ के, सबसे पहले हाजिरी दे देनी, समधुणी आप ठीक हो मैं ठीक हूँ ठीक, उसके बाद दिन में खाना खाया नहीं खाया वो भी अपडेट देना ही देना, फिर शाम को भी अपडेट देना ही है चाय पीएगी नहीं पी, उसके बाद रात को भी अपडेट देना है कि भोजन किया कि नहीं किया। भाई इतना प्यार करें दोनों समधुणियों के बीच, इतना तो मेरे और मेरे बुढ़े के बीच भी नहीं है,
है ना बड़ा तुम्हारा बिजनेस मैं तो करता हूँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसे ही बोलते हैं। तो अभी दीदी का वेट करें, कैसा लग रहा है आपकी जेठ सासू वाली? आज तो सारी चुगलियां करूंगी मैं जो आप बोलते हो दीदी को। देखना वहीं पे दीदी के सामने बोलूंगी, ऑन कैमरा बोलूंगी जो जो बोलते जो आप बोलते हो दीदी को। इन्होंने कुछ कुछ बोला है, धन्नू मेरी धन्नू दीदी आ गई। हाँ ये देखो सासू माँ की देहरादून के लिए भी पैकिंग हो गई। वो तो एक हफ्ते पहले ही कम से कम कर ही देते अपनी पैकिंग। देखो हाँ ना तो बोला क्यों है यो करम छू देगा सीधे सादे समझो बोल रहे वीडियो में मत दिखाना मुझे भी बहुत बड़े काम हो ना तुम्हारा जो नहीं दिखाना फिर उल्टे काम करते हो क्यों इतनी बार बोला मैंने वही था चिपकेगा वो भैया तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं टाइम काफी ज्यादा हो गया मैंने टॉर्च जला रखा था और मेरे मोटर छह बज चुके हैं चाय अब जा रही मैं बनाने मेरी दीदी की कॉल भी नहीं है दीदी ने बोला था मैं शाम तक खाने तक ही पहुंचूंगी तो अभी हमने सोचा भी नहीं कि क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं पहले चाय बनाते हैं उसके बाद ही खाना खुना देखेंगे ना चल पतिदेव की तो देखना अपने लिए कपड़ों के बिल्कुल सेट कर दिया उन्होंने कि मैं कल कौन सा पहन के जा रहा हूँ कौन से वाले जा रहे पहन के अरे जो मर्ज जो पहना अभी तो मैंने पैंट और कमीज पहना पहन के देख लिया जो तुम तो ठीक लगे बाकी मैं चाय बनाती हूँ अब उनके बाद बहुत तेज आएगी इतनी तो दोस्तों मैंने कल तो कोई व्लॉग नहीं डाला लेकिन जो मैंने परसों व्लॉग डाला था और उस व्लॉग में मैंने बोला था मेरे पतिदेव को 6 महीने बाद छुट्टी मिली और हम घर जा रहे हैं और सासू माँ को भी हमारे साथ 1 महीना हो गया और इन 1 महीने का मतलब पता ही नहीं चला कि कब दिन कट गए तो लोगों ने इस पर मुझे बहुत सारा कमेंट किया कि सिमो अभी तो आपको 9-10 दिन हो रहे हैं और आप बोल रहे 1 महीना हो गया तो जी नहीं मैं 2 सितंबर को घर गई थी देहरादून गई थी और 3 तारीख को घर पर रही और 4 तारीख को मायके गई और उसी दिन मैं राखी पहना के भी आ गई थी और 5 तारीख को मैं सासू माँ को मतलब लेके वापस आ गई और जो मेरा रक्षाबंधन वाला व्लॉग था उससे पहले व्लॉग में मैंने साफ बोला है कि मैं पहले ही राखी लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं बाद में रक्षाबंधन पे नहीं आ पाऊँगी अब आपको आपको लगेगा कि सिमो झूठ बोले तो मैंने आगे क्लिप जोड़ी आप ध्यान से सुन के देख लेना शायद जिस टाइम मैंने व्लॉग डाला आपने नहीं सुना लेकिन अभी सुन लेना मैं दोबारा डाल रही हूँ क्योंकि आपने कमेंट किया इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो मैंने 4 तारीख को ही राखी पहना दी थी इसलिए मेरे व्लॉग में दीदी और भी नहीं दिखे थे बाकी हाँ मेरे व्लॉग थोड़े डिले हो गए थे उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा मैंने आपको कन्फ्यूज शायद कर दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी बाकी 1 महीना तो थे वो हमारे साथ मैं झूठ नहीं बोलूँगी अगर आपको ऐसा लग रहा है झूठ बोले तो बिल्कुल नहीं बाकी आप क्लिप फाइनली मैंने राखियाँ भी ले ली है मैंने सोचा भैया को पहना दूँगी पता नहीं व्लॉग कितने टाइम में आएगा मुझे नहीं पता लेकिन राखी अगले मैंने सोचा बाद में आ नहीं पाऊँगी इसलिए लेके चल ही जाती हूँ तो अभी उनका रिएक्शन देखिएगा उनको कैसा लगेगा हमारा ना तो मैं चाय थोड़ा कम कर देती हूँ और अपने दीदी को थोड़ा कॉल करती हूँ मेरी दीदी आ रही है आज क्या बोलती है सुनते हैं देर में पहुंच ली इन हुई रन मेदी तक कटना ना बोए की जंज सेम टू सेम अपन बोए जंज जन हुई बोए फोन कर दे खट काट दे ऐसी है सेम टू सेम मेरी दीदी देखना दोस्तों आपके चक्कर में मेरी चाय गिर गई अब आप बोलोगे कैसे तो मेरा ध्यान आप लोगों पे ही था फते गई मेरी चाय का कलर मस्त लग रहा है ना कोई बोलता भी है कि आपकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है
पिलाऊंगी यार आपको अपने हाथ की चाय। चलो फिलहाल बंद कर देते हैं, बन गई चाय। चलो चाय रखते हैं कप में। सर तुम्हारे लिए मना कर रखा चाय वाई पीने के लिए, तुम गुन्नी मुंह पानी पड़े दो, मना कर। तो दीदी के लिए बना रहे हम छोले, तो चलो तब तक भिगाने रख देंगे, पता नहीं भीगते नहीं भीगते, रख देती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देती हूँ, जब भी दाल वगैरह उबालने डालो ना थोड़ा नमक डाल देना चाहिए, नमक से सही हो जाता है। ये मेरे को देखिए चल गया, अभी शाम का टाइम है तो मौसम देखना क्लियर हो गया, पता नहीं चलता कि कब रात को बारिश दर 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 आनी शुरू हो जाती है। भाई बच्चे भी झूले खेल रहे, ये हमारे देहरादून जाने की पैकिंग होने लग गई। हाँ हाँ ये गुंडी लो मी, पप्पू 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 फाइनली फाइनली दोस्तों बुरे गया, ये फुल हो गया। ये हो गया बंद, तो दगड़े हो मेरी दीदी हर्च गई रे आज, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी जेठ सासू हर ची गई, मेरी जेठ सरसो हर सरसो हेलो बस स्टैंड बाटी वाले बिरड़ी गायो देख रहे, जेट सासु के लिए ऐसे गाने लगा रहे हैं। अभी दीदी को आने दो, यही दिखाऊंगी। तो देख ले दीदी तेरे लिए कैसे गाना गा रही है, मेरी बल जेट सासु हरी ची गई बल काकू भागी गई। कई जगह बीवी की बड़ी बहन को भी साली बोलते हैं, हमारे उसमें नहीं बोलते, जैसे मतलब अदर साइड बोलते हैं और स्टेट में कि जैसे मतलब बहन जैसे मतलब मुझसे छोटी होगी उसे तो साली बोलते ही हैं, जो मुझसे छोटी मेरी बहन होगी उसे तो दीदी सॉरी साली बोलते ही हैं पतिदेव जी, लेकिन जो मेरे से बड़ी होंगी उन्हें साली नहीं बोलते, उन्हें जेठ सासू बोलते हैं। जेठ सासू सोनी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं क्या करें? अरे यार मुझे अच्छा नहीं लगता ये मौसमी। ये वीडियो मेरी माँ को भेजना, मेरी मम्मा त्यार जमे इन बोनो छो कि एक साल के लिए वहाँ हमारा देखना ऐसे बोलते हैं मुझे पता, और ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मैं बोलते हैं तुम बुढ़ापे में हुई थी, जबकि बुढ़ापे में नहीं हुई मैं, मतलब मेरी मम्मा की उम्र के मेरे माँ के बच्चे लेट ही हुए और हम सब भाई बहनों में तीन तीन साल का गैप है, और कितने मेरे पिताजी कितने साल के रहे होंगे उस टाइम, मैं याद नहीं 45
ये मुझे बोलते हो तुम बल रिटायर, जब ससुरा जी रिटायर आए तब हुए। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे ना, तो वही मजाक उड़ाते मेरे कि तुम्हारे पिताजी रिटायर आ गए थे तब हुए तुमकी। तो क्या हुआ, और जिनके आज के जमाने में जिनके रिटायर होने के बाद ही पहला बच्चा हो रहा तब सिचुएशन जना, तो क्यों दवा इन थोड़ा होता बा भाई। पहले जमाने में सब जानते थे दूध और पूत की छक किसे नहीं कहते नहीं उनसे बोल जाना, दूध अगर पूता छक कहते नहीं होंगे, यानी कि दूध के और बच्चे की छक किसी को नहीं होती। पुराने जमाने में बोलते थे कि अच्छा है जितने ज्यादा बच्चे हो उतना अच्छा होता है। अब ये मेरा मजाक उड़ाता है, नहीं उड़ाते नहीं बोलो मेरी माँ देखे ये संजू क्या बनी छतू हाय। तो भाई मेरे दौड़े टाइम देखो 8:45 होने को है, मेरी दीदी अभी तक नहीं पहुंची, कहाँ रहेगी मेरी तो सब्जी भी बन गई। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे छोले बन चुके हैं, मेरी दीदी तो नहीं आई अभी लेकिन खाना मैंने डन कर दिया, छोले बन चुके हैं और ये हमारी रोटियां भी बन चुकी है। ये सासू माँ की कोदे की रोटी है, वो नीचे से हमारी है, ये भी लगा दिया मैंने। और ये हमारा सुबह का पराठा था, तो ये पराठे भी हम खाएंगे गर्म करके, बस ये तो हो गया मेरा। और ये दगड़े छोले पूरी खाने ना, ना ना नहीं आया अभी, सच में यार फोन कर रही थी तू जरा। हाँ कह दो ला, अब तो लोकेशन भी तो मोर से तो मिल। हाँ दीदी कॉक पे छे ऑटो में तब तक साथ में इंजेक्शन लगा देती हूँ यार। दीदी आ गई, पतिदेव ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी दीदी खो चुकी है, आगे आगे पता नहीं क्या क्वार्टर में घुस गया। उभरा दीदी उभरा दीदी फुट, ये कैमरा बहुत ही मत कर। मैम जी पधार चुकी हैं, कृपया ढोल नगाड़े बजाए जाए। मिसेस धनारावा नहीं, मिसेस धनारावा चौधरी पधार चुकी है। चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है, चौधरी जी आओ। अरे मम्मी समझ रहे हो ना, तो इनका क्या जाएगा, रात का काम ही नहीं होगा, टेंशन ले सकता है। अभी ये बाहर निकला के देसी बड़ी दिक्कत होने वाली। हाँ अभी वाले खंड में लोग भाई इन काला फोको बस चक्कर मन ना ऑटो वाला ना मचाल आटे वाले ऑटो का दूर कर ए ओएल वाले पैसा नहीं दियो ना पर बुरी घड़ो सब ने घड़ो तो कक्का खा जो सिर ना कर था का गया आइए आप का आज रमी दिन रोया है बड़े से रोया क्या बात है हमें एक जो गाड़ी नहीं लोग एक ना चिंता हेलो मेरी बुढ़ोली पहुंची कि नहीं पहुंची पहुंची जेब ना जानू क्या हाल है मेरी जाने मन कहाँ भटक गई रोबजा बना दो अपनी जेट सासू के लिए बना दिया। अरे ये तो बिल्कुल टटकार प्याल नहीं प्याल यार कसम से। खाना तो लिया ही पर मेरी दीदी बहुत टाइम लगाएगी अब। ओ दीदी तू सद में बहुत टाइम लगा जिया की बना दो इतना आजा आजा बट्टे से आजा खा लेते हैं। बस ये खाना हो गया हमारा डन 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 कल तुम लोग चाट के लिए नहीं यार। भाई दोस्तों बता टाइम कितना हो गया
10:27 10:30 अभी तक हम गप्पे ही मार रहे थे और 9 बजे हमने खाना खा लिया था, तो बस फाइनली हम लोग सो रहे हैं। आप लोग भी सो जाओ, गुड नाइट बोल दे दीदी। दीदी ने इस बार चार धाम यात्रा कर ली भाई। फिर बोलेगी सब के इस बार मायके गई थी दीदी, वहां घूम के आई आराम से, और बहुत जल्दी हम भी मायके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। कल जाएंगे हम वृंदावन, और हमारे साथ जरूर आना।